हरे कृष्णा। आप लोग सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। एंड टुडेज श्लोक संख्या इज भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 38। तो जिनके पास भी भगवद गीता है आप कृपया करके खोल दीजिए, जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। आई रिपीट ताकि आप लोग सब मेरे साथ बोल सकते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं अवाप्स्यसि। अनुवाद ट्रांसलेशन। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल से अर्जुन को बोले हैं 37-36 वर्ष में कि अर्जुन लड़ो। क्यों लड़ो? क्योंकि तुम यदि जीतो तो तुम ये पृथ्वी का राज एंजॉय कर सकते हो, और यदि तुम हारो, इफ़ यू लूज, तुम मरोगे और तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। सो स्वर्ग में भी तुम एंजॉय करोगे। सो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, तुमके लिए दोनों तरीके से जीत है, तो लड़ो। लेकिन यदि तुम लड़ते नहीं हो तो तुम्हें हार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो भगवान कृष्ण अभी अर्जुन को कर्म कांड इन्वोक कर रहे हैं अपना कर्म करने के लिए। भगवद गीता एक वास्ट बुक है, बड़ा गीत है, और भगवान ने सारे योगों के बारे में वर्णन किया है, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट भक्ति योगा के बारे में लास्ट में बताया, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले सब ऑप्शन दिया है, अर्जुन कर्म के लिए करो, अर्जुन ज्ञान लेके करो, अर्जुन ध्यान लेके करो, नहीं हो रहा है भक्ति लेके करो। मैं बोल रहा हूं, आई एम सेइंग इसलिए करो, बाकी सब छोड़ दो। सो दैट इज व्हाई भक्ति योगा लास्ट में है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष, क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह उनकी इच्छा है युद्ध करना। यदि अर्जुन नहीं भी चाहता तो ही हैज, भगवान बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, दैट इज वाई फाइट। तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। हमारे कृष्ण भावनामृत कार्यों में हम जब भी कोई कार्य करते हैं, यदि हमको हानि हो रही है, सुख है, दुख है, तो भी हम करते हैं। हमको संकीर्तन करना है,
रास्ते पे जाके फिर भी करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना है फिर भी करेंगे. वाई? बिकॉज वी डू नॉट केयर. हमको फर्क नहीं पड़ता क्या प्रॉफिट क्या लॉस, क्या सुख क्या दुख. भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा करना. यदि आप किससे प्रेम करते हैं, इफ यू लव समवन, तो जो वो बोले ऐसा करेंगे या नहीं, बताइए मुझे. कमेंट करके बताइए कि यदि आप किससे प्रेम करते हैं तो जैसा वो चाहते हैं, जो जो चीज़ उनको खुशी करती है, आप करेंगे उसको. यू विल डू इट. वाई? बिकॉज यू लव देम. उसी तरीके से हम भगवान से, भगवान कृष्ण से प्रेम डेवलप कर रहे हैं, प्रेम करना चाहते हैं, अब तक फुल नहीं. लेकिन कैसे करें प्रेम? उनकी आज्ञा पालन करके. तो हानि या लाभ, जय या पराजय, कोई को कोई महत्व नहीं दिया जाता. दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, कृष्ण के निमित्त किया जाए. अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता. बिकॉज हम कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, सो हमारी जो मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं इनके रिएक्शंस हम पर बाउंड नहीं होते. दे आर नॉट बाउंडेड. वाई? बिकॉज, क्योंकि जैसे कि मैं श्वास ले रहा हूँ, आई एम ब्रीदिंग, कितने बैक्टीरिया मर रहे हैं. मैं खाना खाता हूँ, खाना बनाते वक्त कितने बैक्टीरिया मरते हैं. मैं जो खा रहा हूँ, वीट, गेहूँ, राइस, ये भी तो प्लांट्स है, इनको मार के हम खा रहे हैं. उसका कर्म कौन लेता है? हु टेक्स द रिएक्शन फॉर दोस? यदि आप कर्म कांडी है तो आपको कर्म खुद लेना पड़ता है. बट यदि इफ यू आर कृष्ण कॉन्शियस, यदि आप कृष्ण भावनामृत हैं, कृष्ण भावित हैं, सो इसके कर्म और इसका जो आप बोल सकते हैं द रिएक्शंस, भगवान कृष्ण ले लेते हैं उसको. वो रिएक्शंस आप पर लागू नहीं होता. इट्स नॉट एप्लीकेबल. ये ज्ञान, दिस थिंग, इस चीज भगवान कृष्ण अर्जुन को अभी बता रहे हैं. तो जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं. किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता. क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीबडी हु डज एक्शन, सतोगुण और रजोगुण में भी कुछ करे, यानी कि मैंने जैसे कि बोला, आप खाते भी हैं और भगवान को भोग नहीं लगाए, तो आपको उसका कर्म भोगना पड़ेगा. यू वुड हैव टू सफर फॉर इट. क्यों? क्योंकि आप उसको खा रहे हो लेकिन आप उसको भगवान को भोग नहीं लगा रहे हो, तो आपको सफर करना पड़ेगा. तो जो कोई सतोगुण या रजोगुण, हम आप जानते हैं हम ये संस्कार क्यों करते हैं, ये जो बचपन से संस्कार कर रहे हैं, ये सब भी एक प्रकार से पाठ है इंद्र तृप्ति के लिए. जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये करेंगे तो इसका भी फल मिलता है, इसका भी रिएक्शन मिलता है. लेकिन जो भक्ति करता है, एनी बडी हु डज कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी, वो अपने सारे रिएक्शनों से मुक्त हो जाता है. ही इज फ्रीड फ्रॉम दोज रिएक्शन. जो कोई भी प्योर शुद्ध भक्ति करता है, ऐसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं. और वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है. भगवत गीता में कहां पे कह रहे हैं? देवर्षि भूतात्मना नृणाम पितृणाम ना किंकरो नयम ऋणी चराजन सर्वात्मा मान यह शरणम शारण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम. श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं इसका क्या वर्णन है इसमें, कि जिससे अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो. इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है. क्या संकेत दे रहे भगवान कृष्ण?
कि भक्त किसी के ऋण कृतज्ञ होने से परे हैं, चाहे वो माता पिता भाई बंधु पति पत्नी का हो। एक भक्त मतलब 100% कृष्ण कॉन्शियस। तो यदि आप 100% कृष्ण कॉन्शियस है, यदि आप इसको जानते हैं वो है, तो ही इज नॉट, दे आर नॉट अब्लाइज फॉर एनीथिंग। किसी आदमी को नहीं, किसी देवताओं को नहीं, किसी के लिए भी वो कृतज्ञ नहीं है, क्योंकि वो भगवान को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि एक आदमी यदि गवर्नमेंट में राजा को रिपोर्ट करता है, तो क्या उसको किसी और को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, बताइए आप? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं डायरेक्ट राजा को रिपोर्ट कर रहा है। तो इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो इसकी व्याख्या ये और अच्छे तरीके से, अभी कर्मकांड का सेक्शन चल रहा है, तो और अच्छे तरीके से हम कल इस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो, तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको कल फिर ही इसी टाइम पर इधर ही मिलेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की।